हेलो बच्चों, कैसे हो? सो आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि नाम पता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सो हियर वी स्टडी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो इनिशियली जो 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, देन वी क्लासिफाई मैटर इनटू टू कैटेगरीज। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, जो 11th में बेसिकली चीज पढ़ने की है उसको हम डिटेल में बात करेंगे। सो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं, देर आर थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल में जब हम बात करें, हमारे पास आता है यहाँ पे प्योर एंड इम्प्योर। सो प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो सब्सटेंसेस आते हैं, कौन कौन से? हाँ जी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो वी हैव एलिमेंट एंड कंपाउंड इन प्योर सब्सटेंस एज दे आर कंसिस्ट ऑफ प्योर और वन काइंड ऑफ एटम और एलिमेंट इन कंपाउंड, दैट इज इन अ फिक्स्ड रेशियो। इम्प्योर व्हेन वी टॉक इट इज मिक्सचर। सो एलिमेंट व्हेन आई एम सेइंग nowadays we can say 118 and elements are discovered and they are present in the periodic table. So all these elements are further divided into metal, metalloid and non-metals. Similarly, compounds are further classified into organic substance and inorganic substance. And last we have left us mixture. So mixture which is impure because the ratio is not fixed, further divided into two types. One is homogeneous and other is heterogeneous. So this is the general classification of matter that you have been studying since class 9. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हर वो चीज जिस जो जगह घेर रही है, हर वो चीज जो कोई वॉल्यूम घेर रही है, वो मास, वो मैटर है। ओके, सो मैटर को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे इनटू फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन वी हैव थ्री टाइप्स, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन केमिकल क्लासिफिकेशन वी हैव प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। देन वी विल टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस, वी हैव एलिमेंट, वी हैव कंपाउंड। Element is that substance which consists of only one kind of atom. Like I'm having various atoms of copper. Copper ke atoms hain, alag alag atoms hain. Ye copper ka atom, ye copper ka atom. All these are atoms of copper. So if we are having only one kind of atom, yani sare atoms kisse bane hue copper ke. So the properties are exactly same. If it is the same element, if it is made up of copper, all these atoms are of same element, same substance, same atom, then we call it as element. कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड इज अगेन प्योर बट इट मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, इट मे बी हैविंग मोर देन वन लाइफ, बट द थिंग इज दे आर इन अ फिक्स्ड रेशियो। इफ रेशियो इज फिक्स्ड देन वी कॉल इट एज कंपाउंड। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज फिक्स्ड, दैट इज 2:16, वी कैन राइट इट एज 1:8। Similarly, element is further classified on the basis of their properties, metals, metalloid and non-metals. Then compounds, inorganic and organic substances. Last, mixture. Mixture is something that has impurities. But generally, in terms of impurities, we do not define mixture. We say that the ratio is not fixed. If you are having two or more substances present in a substance, in a mixture, and then we call it as mixture when the ratio is not fixed. And if the ratio is not fixed, then again we'll be having two types, homogeneous, when we are having uniform composition, that means pura sample humne liya hai, pura sample mein hamare paas har partial, har portion mein same constituent, unka composition same, theek hai? Heterogeneous, non-uniform composition.
सो सपोज आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसको अच्छे से स्टर किया. आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम. नाउ इफ यू टेक आउट थ्री डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम दैट ग्लास, ऊपर से आपने लिया उसके ऊपर रेशियो अलग होगा. And if you take the middle portion, you'll be having different properties. If you take the bottom portion, then you'll be having large amount of sand in it. So that is non-uniform composition. We call it as heterogeneous mixture. So iska ek bar screenshot le lijiye aur uske baad aage hum topic shuru karte hain. हाँ जी, तो screenshot ले लिया, आगे शुरू करते हैं. ये बहुत basic starting थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए. फिर भी कहीं डाउट है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो आप एक बार नाइन्थ का टॉपिक पढ़िए. बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक चीज उसमें दी हुई है. देन विल मूव टू द बेसिक टॉपिक. यहां स्टार्ट करेंगे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कुछ ऐसी लॉज है जो मैटर को एक्सप्लेन करती है. How elements react with each other, how do they form compounds, how these properties are similar, how and what amount of one element react with another element to form particular product. So these laws, it has number of laws, five laws इसमें हैं, इनकी हम discuss, इनको हम detail में बात करेंगे. जो जो आपके course में सबसे पहले हम बात करते हैं law of conservation of mass. Of conservation of mass means mass is conserved during the reaction, and if mass is conserved, what we will write? During any chemical reaction, the mass of reactant is equal to the mass of product. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट द मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन. कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व मीन्स ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा ना ही वो क्रिएट होगा. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज एज सिमिलर एज वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मास इन टर्म्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, सो डू नॉट कोरिलेट विद दैट. We say that mass of reactant is equal to mass of product. So suppose I am having any chemical reaction, say CaO reacts with CO2 gives us CaCO3. Now if I say you that 56 gram will produce 100 gram of CaCO3, find the amount of carbon dioxide. Kitna hoga? 100 minus 56, so it comes out to be 44 gram. So we see that the 44 gram of this carbon dioxide is formed, that justifies this law of conservation of mass. Note kar lijiye se, then we'll move to second law. ठीक है, so अब हम बात करेंगे second law, law of definite proportion. So second law is law of definite proportion. So जब हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, प्रोपोर्शन डेफिनेट है. किसका प्रोपोर्शन डेफिनेट है? सपोज आई एम टेकिंग एनी कंपाउंड, आई एम टेकिंग दैट कंपाउंड फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स. लेट मी कलेक्ट फॉर एग्जाम्पल वॉटर. आई कलेक्ट वॉटर फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स. मान लीजिए मैंने वॉटर लिया रेन से ले लिया, या आपने लेक से ले लिया, या आपने इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, और you can collect it from tap water. Provided this water is pure, it consists of these elements in a fixed ratio by mass. So it means that this law says that when we are having any compound taken from different sources, then irrespective of any source, it has the elements present in it, they combine in a fixed ratio by mass. So fixed ratio means simple whole number ratio हो गया यहाँ पे. सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लिया. अगर वो रेन से लिया है तो भी 2:16 आएगा. इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम लेक, इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम प्रिपेयर्ड इट इन द लेबोरेटरी, और यू आर टेकिंग एनी टैप वाटर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज 1:8. ठीक है,
नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव दिस कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग सोर्सेज से ली, आपने इसे लिया CaCO3 से या किसी भी कार्बोनेट से, आपने इसे प्रिपेयर किया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली एटमोसफियर से, नेचर में प्रेजेंट एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यू प्रिपेयर दिस कार्बन डाइऑक्साइड बाय द कंबशन फ्रॉम कार्बन और फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स इफ प्योर, देन द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, 12:32। कितना हुआ? 3:8। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, सिंपल है। कोई भी कंपाउंड आपने लिया, किसी भी सोर्स से लिया, अगर वो प्योर है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो होगा। सो इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लॉ की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो लॉस बहुत पुरानी 17th century से देनी शुरू की गई थी, और आज की डेट में अगर हम लॉस को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है बहुत सिंपल सी चीज है, उसमें कोई नई चीज हमें नहीं दिख रही है। बट अगर हम बात करें 17th century में, 18th century के इनिशियल में जब ये लॉस दी गई थी, तब साइंटिस्ट के पास उस समय कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, और उन्होंने जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट अवेलेबल था उस हिसाब से उन्होंने लॉस दी थी, और जो आज भी बहुत हद तक एप्लीकेबल है। नेक्स्ट लॉ विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज दैट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू एलिमेंट्स लिखे, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर compounds if we fix the mass of one element then the ratio of other element in all the if we fix the mass of one element then the ratio of other element in all the compounds is in a simple whole number ratio. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, सपोज आपके पास दो एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स कम्बाइन टूगेदर, आपके पास है कार्बन, आपके पास है ऑक्सीजन, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। मान लीजिए इन्होंने एक कंपाउंड बनाया CO और एक कंपाउंड बनाया CO2, इन दोनों ने मिलकर कंपाउंड बनाए CO और CO2, they form two or more compounds. If we fix the mass, तो पहले इनके masses निकाल लेते हैं कि CO में कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, CO2 में कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 32. ओके, सो इफ वी फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, मान लीजिए कार्बन ऑलरेडी फिक्स है तो हम इसे ही कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। इफ वी फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट देन रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट इन ऑल द कंपाउंड, रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट मीन्स ऑक्सीजन इन ऑल द कंपाउंड कितना 16:32 इज इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, सी इज इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सो वेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म two elements combined together to form two or more compounds, if we fix the mass of one element and find the ratio of other element in all the compounds, we find that it will be in a simple whole number ratio. So, देख लीजिए, note कर लीजिए, उसके एक और example discuss करते हैं। आगे समझ में? ठीक। मान लीजिए आपके पास है nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen will form various compounds like N2O बनाया, NO बनाया, NO2 बनाया, N2O3 बनाया, N2O4 बनाया, N2O5 भी बनाया। There are various compounds formed by say two elements. Okay? When two elements combine together to form two or more compounds. So दो से ज्यादा एक compounds बना लिए। So when I am talking about that if we fix the mass of one element, तो पहले हम सबके masses निकाल लेते हैं। So masses यहाँ पे दो nitrogen है 28 हुआ, oxygen कितना है? Oxygen एक है 16 हो गया, नाइट्रोजन एक है 14, ऑक्सीजन एक है 16, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है 32, नाइट्रोजन दो है, ऑक्सीजन तीन है, नाइट्रोजन दो है, ऑक्सीजन चार है, नाइट्रोजन दो है, ऑक्सीजन पांच है।
ओके सो अब हमने क्या किया, इफ यू फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, फिक्स तो कोई भी नहीं है, मान लीजिए हम नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं. सो नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब है, मान लीजिए मैंने इसे 14 किया, अगर ये हाफ किया तो ये भी हाफ हुआ, ये 14 है ही तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 14 है कोई चेंज नहीं हुआ. दिस इज हैज टू बी रिड्यूस बाय हाफ, सो इट बिकम्स हाफ. इसको हाफ किया ये भी हाफ हो गया, इसको हाफ किया ये भी हाफ हो गया. सो इफ यू फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, read this instruction, if we fix the mass of one element, then the ratio of other element in all the compounds is a simple whole number ratio. Ab iska ratio nikale, 8, 16, 32, 24, 32, 40. So it comes out to be 1 is to 2, 4, 3, 4, 5. So the ratio is simple whole number ratio. So now we can say that this statement, this given data actually justifies this law. So that's screenshot ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट लॉ हमारी कहती है गेलोसेक्स लॉ. नेक्स्ट लॉ की हम बात करेंगे. सो लॉ इज गेलोसेक्स लॉ. इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड इफ दीज रिएक्टेंट्स आर इन गैशियस स्टेट, देन ओनली नो लॉज एप्लीकेबल, देन दे रिएक्ट टूगेदर इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम टू फॉर्म द प्रोडक्ट, एंड इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैशियस देन द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी इन इट्स वॉल्यूम रेशियो. ठीक है, सो वेन टू और मोर गैशियस रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, देन दे डू सो इन देयर गैशियस वॉल्यूम्स. ओके, सो मान लीजिए आपके पास है H2, ये CL2, ये आपके पास बन गया HCl. और अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि है गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम इनके मोलर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो वॉल्यूम रेशियो में होगा. दैट मीन्स वन मोल यहाँ पे, वन मोल यहाँ, टू मोल यहाँ. दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन हम वन वॉल्यूम ले रहे हैं तो क्लोरीन वन वॉल्यूम लेंगे एंड HCl टू वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, प्रोवाइडेड दे आर इन गैशियस स्टेट. सो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दूं कि आपके पास मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन की बर्निंग हो रही है, कंबशन हो रहा है, एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड सपोज आई एम सेइंग कि मीथेन आपके पास 50 ml प्रेजेंट है. अब आप बताइए ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. सो दिस इज अ रिएक्शन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, एंड नाउ द क्वेश्चन इज 50 ml ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू, 50 वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस O2 एंड CO2 एज इट इज इन लिक्विड. तो गेलोसेक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स. ये गैस में है, ये गैस में है, and this methane is also in gaseous state. So the thing is, my question is, if this is methane is given to you in 50 ml, what will be the volume of O2 and CO2 in this reaction? How much volume of O2 is required and how much CO2 in terms of volume is formed during this reaction? So ye karne se pehle sabse pehle aapko equation ko balance karna zaruri hai. So equation ko aapne balance kiya, it comes out to be, so it is now balanced. So अगर आप देखेंगे वन मोले टू मोले, वन मोले टू मोले, दैट मीन्स वन वॉल्यूम के लिए आपको टू वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए और वन वॉल्यूम आपको CO2 चाहिए. ये लिक्विड में इसलिए हम बात नहीं करेंगे. सो अगर आपके पास 50 ml दिया हुआ है, 50 वॉल्यूम आपको मिथेन दिया हुआ है, सो वन वॉल्यूम के लिए कितना लग रहा है, टू वॉल्यूम. सो इफ यू आर हैविंग 50 ml, तो इसके लिए कितना आपको O2 चाहिए, 50 ml ऑफ O2 यू रिक्वायर. अगर वन वॉल्यूम मिथेन के लिए वन वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 50 ml मिथेन के लिए कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 50 ml. सो इस तरह से आप इस लॉ को यूज करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसे नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है. आगे हम पढ़ेंगे एविगेट्रोस लॉ. ठीक है, सो वी हैव नेक्स्ट इज एविगेट्रोस लॉ. It states that under similar conditions,
of temperature and pressure. That means आपको temperature और pressure यहाँ पे constant रखना है. Equal volume of all gases contains equal number of molecules. Equal volume of all gases contains equal number of molecules. That means हम लिख सकते हैं V is proportional to N. अगर number of molecules same है, that means अगर आप volume बढ़ा रहे हैं तो number of molecules बढ़ रहे हैं. Number of molecules बढ़ रहे हैं means number of moles भी automatically increase हो रहे हैं. And if you are decreasing this volume, then automatically the number of molecules or number of moles also decreases. So when I'm talking about this Avogadro's law, under similar conditions of temperature and pressure means आपको temperature और pressure को यहाँ constant रखना पड़ेगा, तभी ये condition fulfill हो. और कैसे आप लोगों ने पढ़ा, उसी से थोड़ा सा बताती हूँ मैं. मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड एक गैस है CO2, और CO2 के वॉल्यूम आपको गिवन है 22.4 लीटर. ओके, अगर CO2 22.4 लीटर है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? एन ए के इक्वल एवोगैड्रो नंबर एज पर मोल कंसेप्ट. अगर मोल कंसेप्ट में आपको नहीं पता है तो मोल कंसेप्ट वाले मेरे वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज. सो कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर आपको दी गिवन है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अगर आपके पास ये वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का? एच एस टी पी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके एन ए. वॉट इज दिस एन ए? 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स. सपोज आपने इस वॉल्यूम को रिड्यूस किया, मान लीजिए मैंने इस वॉल्यूम को हाफ कर दिया. अब इसको हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे. सो एन ए बाय टू कितना हो गया? 3.0115 × 10²³. या मान लीजिए इसको आपने डबल कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 44.8 लीटर. सो इट बिकम्स 2NA. सो 2NA मीन्स 12.046 × 10²³. सो इस तरह से ये लॉ कहती है कि अगर आपने वॉल्यूम को डबल किया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपके डबल होंगे. सो दिस इज अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलोसिक्स लॉ, एंड फिफ्थ वन वॉज एवोगैड्रोस. तो एक बार इन लॉज को कीजिए, इसमें न्यूमेरिकल्स कीजिए. अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दीजिए. और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट लिख के मुझे बताइए. मैं हेल्प करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं. और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.